मॉर्निंग जनता और हेल्दी आदर्श में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा है 25वां दिन, तो इसके साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह साथ बनाए रहिए, हम अपना मैंडेटरी चैलेंज पूरा करेंगे। तो फटाफट रेडी हो रहे हैं और जिम निकलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं एक कप कॉफी के साथ और उसके बाद रेडी होते हैं और जिम निकलते हैं। तो भाई, जिम से वापसी हो चुकी है और आज हम आपको फिर से देने वाले एक हाई प्रोटीन डाइट रेसिपी। तो फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं राजमा। राजमा में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम भिगा रखा है क्योंकि मेरे साथ एक पार्टनर भी है मेरा, पंसु भाई, तो उनके लिए भी भिगा रखा है। तो ये हम मैं बना रहा हूँ 200 ग्राम राजमा। 200 ग्राम भीगा हुआ नहीं, सूखा होना चाहिए। और काले वाले लीजिए, जितना डार्क कलर उतना ज़्यादा प्रोटीन। तो ये मैंने ले लिया राजमा। अब इसको करते हैं कुकर पोर और उसके साथ इसको, इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, हल्का सा हल्दी डालते हैं और इसको रख देते हैं बॉयल होने के लिए। जब ये बॉयल हो जाएगा, कम से कम 4 से 5 सीटी 6 सीटी में ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा अपने मसाले ऐड करके इसको बनाऊंगा टेस्टी। दिखते रहिए। तो भैया, राजमा कुकर में डाल दिए हैं, पानी थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। इसमें हल्का सा ऐड करते हैं नमक इसको गलाने के लिए। ये हमने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया। तो जब तक राजमा हमारा बॉयल हो रहा है कुकर में, तब तक हमने सब्जी तैयार कर ली है, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर। तो मैं 2 लोग के लिए कुक कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया हूँ। तो मैं 2 मीडियम साइज प्याज, 3 टमाटर और 2-3 मिर्ची लिया हूँ, जितना आपको तीखा खाना उसके हिसाब से। और अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट समय बचाने के लिए, ये मेरा यही मसालों से बनेगा। और बाकी मैं दिखाता हूँ। तो भाई, नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ता में अपना दूध, 2 अंजीर 10 बादाम और थोड़े से किशमिश, और आज है ब्राउन ब्रेड अपने पास। ये रहेगा आज का ब्रेकफास्ट। तो हमारा राजमा हो गया है बॉयल, कढ़ाई रख दिया है और ये डाल दिया हमने थोड़ा सा उसमें तेल। ओह माय गॉड, तेल खत्म। कोई नहीं, शॉपिंग करेंगे कल वीकेंड से। ला 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 ला। खाली 3 मसालों में हम इनको तैयार करेंगे। बेसिक मसाला है जीरा, थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद गरम मसाला, जो कहता है मसाला ना खाए उसे कह दो भाई इंडिया में हो, मसाले खाओ, मॉडरेट में खाओ लेकिन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मसाले हर्ब्स होते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और धनिया पाउडर हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और अपना सबसे ज़्यादा माना जाना हल्दी, तो ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, आपके इम्यूनिटी को मजबूत करती है। इसीलिए हमारी दादी नानी जब कभी किसी की बीमारी कुछ हो जाती थी तो उसको हल्दी वाला दूध पिलाती थी। तो हल्दी के अंदर काफ़ी गुड़ होता है, तो इसको भी डालेंगे। तो इन्हीं चीज़ों से हम बना लेंगे अपना राजमा। तो सबसे पहले हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाए फटाफट। यहाँ से थोड़ी चीज़ें मैंने फास्ट रख दी है ताकि आपका बोरिंग ना हो और मज़ा भी आए देखने में वीडियो। तो सबसे पहले तेल गर्म हो जाता है तो उसमें जीरा ऐड कर दे रहे हैं, और जीरा हो जाए उसके साथ हम लोग हरी मिर्च और प्याज, क्योंकि इनको कुक होने में टाइम लगता है। तो ये सब पहले मैं हम लोग ऐड कर दे रहे हैं फटाफट ताकि जल्दी ये हो जाए। उसके साथ जब तक प्याज हमारा भुन रहा है तब तक टमाटर को चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। देखिए यहाँ पे भाई, मैं बाहर रहता हूँ तो मेरे पास मिक्सी वगैरह नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जितना छोटा काट सको उतना छोटा, जितना छोटा काटोगे उतनी जल्दी वो गल जाएगा और उतना बढ़िया आपको उतना जल्दी वो आइटम मिल जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ चॉपिंग में कर लीजिए। मैं तो अभी इतने दिनों से करते करते तो मेरा हाथ सेट हो गया, मैं बस जल्दी जल्दी काट लेता हूँ। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। और इसी तरीके से सारी चीज़ें रेडी करनी चाहिए।
अब प्याज हमारा लगभग भून गया है और रेड हो गया है। अब इसी टाइम पे अपने टमाटर को ऐड कर देते हैं फटाफट। टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें, अब टमाटर हमारा उसके साथ भुने। तो भैया सारे मसाले हो गए हैं, सॉरी सारे सब्जी हो गई इसमें ऐड। थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया है पानी ताकि ये थोड़ा निकल जाए। और अब करते हैं अपने मसाले ऐड। सबसे पहले इंडिया का सबसे प्रसिद्ध हल्दी टर्मरिक, ये हमने हल्का सा डाल दिया इसमें हल्दी अपने इम्यूनिटी के लिए। ये डाल दिया हमने धनिया, हार्ट हेल्थ और बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है। और ये बादशाह गरम मसाला हल्का सा डाला, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि मैं दो लोग के लिए बना रहा हूँ। तो आप डालेंगे तो इसी की सारी चीज़ें हाफ हो जाएंगी अगर आप अकेले के लिए बना रहे हो। तो अभी दो मिला देते हैं, ये दिया भैया बढ़िया हल्का सा भून लेते हैं। पूरा प्रिपरेशन टाइम 10 मिनट का है, 10 से 12 मिनट में आपका राजमा तैयार। अब इसको आप चाहो तो रोटी के साथ ऐड कर लो, चाहो चावल के साथ ऐड कर लो, आपका एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है हाई प्रोटीन। 100 ग्राम लेकिन रॉ ये ना भूलिएगा, 100 ग्राम रॉ, सूखा हुआ 100 ग्राम लेंगे तो 24 ग्राम मिलेगा, अगर बॉयल्ड 100 ग्राम लेंगे तो उसमें सिर्फ 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये मसाला मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसमें हम अपना राजमा डाल देते हैं। आजा भाई आजा, सारे आजा सारे। इसको इसमें थोड़ी देर पकने देते हैं। तो लो भैया फिर से निकल पड़े हैं हमारे विश्वजीत भाई के प्लॉट का, आज ढलाई का काम है, छत की ढलाई का काम। तो आज दिन उधर ही क्रॉस होगा, तो जो हमने मील प्रिपेयर किया है वो हमने टिफिन पैक कर लिया है, आज मील कंस्ट्रक्शन साइट पे खाई जाएगी, तो मजा आएगा, दिखाते हैं। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, धूप है लेकिन धूप में कोई इंटेंसिटी नहीं है क्योंकि मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, खुशनुमा मौसम है। राइडिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बेहतरीन। माँ भवानी का नाम लेते हुए पूजा का शुरुआत करवाते हैं। जिस तरह पूजा हम लोग करते हैं ताकि जो भी काम हमने स्टार्ट किया वो एक अच्छे नोट पे ख़त्म हो, तो इसी के साथ हम लोग अपने आज के दिन का समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने लंच भी कंस्ट्रक्शन साइट पे किया, तो वीडियोस कैसे हैं लग रहे हैं आपको बताइएगा, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया था और दिन भी हैक्टिक था। तो ये हम लोग अपना दोपहर में लंच कर रहे हैं वहाँ पे, और ये हमारी पूजा वाली प्रसाद। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। टाटा बाय बाय।